गाइज वेलकम बैक टू माय फैंस चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और प्रीति तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने फिर से एक अमेजिंग सा हेयर स्टाइल सोचा है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इंस्टा आई डी प्रीति तिवारी 24 है, प्रीति तिवारी PREET प्रीति तिवारी 24। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैम इंस्टा आई डी मिल ही नहीं रही आपकी, तो सिंपली आप प्रीत तिवारी 24 सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में ही आ जाता है, आप आराम से वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज का हेयर स्टाइल है बहुत इजी है और बहुत यूनिक सा है, यूनिक हेयर स्टाइल है, बहुत आराम से आप बना लोगे। बस वीडियो आराम से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। सिंपली आपको यहाँ से लेयर ले लेना है, ओके, पतले लेयर्स लेना, ज़्यादा मोटा मत लीजिएगा। इस तरीके से लेने के बाद से आपको सिंपली इसमें गांठ लगा देनी है, जैसे आप गांठ लगाते हो उस तरीके से गांठ लगा दीजिए। टाइटली रखिएगा इसको, फिर इन दोनों को एकदम टाइट करके इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। फिर से एक पतला सा लेयर ले लीजिए और इसमें फिर से एक गांठ लगा दीजिए। बहुत ईजिली बन जाएगा, बहुत आसान है। फिर से इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, फिर से पतली सी लेयर लेंगे और गांठ लगा देंगे। ऐसे ही क्रिएटिव हेयर स्टाइल देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप आगे भी सपोर्ट करोगे। प्लीज़ गाइज मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी सपोर्ट कीजिए, उस पर मैं कपड़ों की अमेजिंग कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जिस पर आप लोग को सिलाई की बारीकियाँ बताती हूँ और जो भी मिस्टेक होती हैं स्टिचिंग कटिंग में, सिलाई सीखने में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इसी तरीके से पतली लेयर्स लेनी है और गांठ लगाते जाना है। फिर गांठ लगाने के बाद से लेयर्स को साथ में ले लीजिए, फिर दूसरा लेयर लीजिए और इसमें गांठ लगा दीजिए। बहुत आसानी से बना लोगे और आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की क्रिएटिव हेयर स्टाइल्स मिलेंगी। इसी तरीके से पकड़ते हुए इसको बना लेना है, बाकी बचे लेयर्स में भी आप चाहो तो ईयर तक भी लेके जा सकते हो, बट मैंने यहीं तक रखा हुआ है इसको। ऐसे ही गांठ लगा देना है एंड तक। और यहाँ पे एक क्लिप से इसको सेट कर दो, ओके। आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो और भी अच्छा लुक दिखाने के लिए। सेकंड साइड भी आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो सेम, और चाहो तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप यहाँ से इतना लेयर ले लो, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करो और गांठ लगाते जाओ। तो है ना बहुत ही आसान, आप आराम से ये वाला हेयर स्टाइल बना लोगे। और कैसा लगा आपको मेरा ये क्रिएटिव हेयर स्टाइल, आई होप कि अच्छा लगा हो। तो एक और हेयर स्टाइल मैं इसी वीडियो में बना देती हूँ, दो क्यूट एंड इजी एंड क्यूट हेयर स्टाइल। एंड तक इसको इस तरीके से गांठ लगाने के बाद से बैक में ले जाके और इस पर भी एक क्लिप लगा दो। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए भी मैंने यहाँ से साइड पार्टिंग ले ली है, आप मिडिल पार्टिंग से भी कर सकते हो इसको। इस तरीके से सेक्शन लेना है, यहाँ से आप एक लेयर ले लो, जहाँ से आपको ये हेयर स्टाइल क्रिएट करना है वहाँ से एक छोटा सा लेयर ले लोगे, ओके। लेयर लेने के बाद से यहाँ से जो भी लेयर लेके जाओगे उसको इस तरीके से पकड़ोगे, जो हमने पहले लेयर लिया था उसको नीचे की तरफ से लेके आना है और इस तरीके से
उसी लेयर का जो पार्ट है उसको खींच के पीछे की तरफ ले जाना है। ओके, जब आप पीछे की तरफ ले जा रहे हो तो आप इसको टिक टक क्लिप से सेट कर लो ताकि ये खुल ना जाए बाद में। फिर से सेकेंड लेयर लेना है और ऐसे ही पकड़ना है, बैक साइड से लेके आना है, अच्छे से पकड़ के ले जाइएगा ताकि हेयर स्टाइल बिगड़े ना। इसको भी टिक टक क्लिप में ही सेट करते जाओ। पतले जितना पतला सेक्शन लोगे उतने ही अच्छी हेयर स्टाइल बनेगी आपकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से खींचते हुए बनाते जाओ और क्लिप के साथ इसको सेट करते जाओ ताकि खुल ना जाए, है ना। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है और इसी तरीके की आसान और क्रिएटिव हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। तो आप चाहो तो जितना लंबा आपको लेके जाना है उतना लंबा आप लेके जा सकते हो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी इसको। उसके बाद से जो बैक के हेयर हैं इनको आपस में ट्विस्ट कर दीजिए ताकि ये बाद में खुल ना जाए। अब यहाँ पे आप इसको टिक टेक क्लिप या जो भी क्लिप है आपके पास उससे सेट कर सकते हैं। हेयर को इस तरीके से हटा देना है और यहाँ पे इस तरीके से क्लिप को लगाना है और फिर से हेयर को इसके क्लिप के ऊपर से ले आ देना है। तो ये हमारा इस साइड का हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब तो ओपन हेयर स्टाइल में दो बहुत ही क्यूट एंड सुंदर सा हेयर स्टाइल है और मैंने खुद से क्रिएट किया है, कहीं से भी मैंने कॉपी नहीं की है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। नॉट वाला जो हेयर स्टाइल पहले बताया था मैंने, वो वाला हेयर स्टाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आप। तो ये दो बहुत ही इजी एंड क्यूट हेयर स्टाइल हैं जो कि आप लोग को काफ़ी हेल्प करेंगे ओपन हेयर स्टाइल के लिए। कॉलेज गर्ल्स हैं या फिर ऑफिस गर्ल्स हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बाल खुले रखना पसंद करती हैं तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये इस साइड का लुक है और ये हमारा इस साइड का लुक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की यूनिक हेयर स्टाइल्स देखने के लिए, क्रिएटिव हेयर स्टाइल देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।